हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर। और आज अपन पीसी स्टडी पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो जेट के भी वर्तमान में एग्जाम हुई है उसके आंसर की आज के हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनके 120 क्वेश्चन जो आए थे उनकी आंसर के हम आज के लिए आपके लिए लेकर के आए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर एक, इक्रीसेट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इक्रीसेट है ये एक इंटरनेशनल संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, सेकंड क्वेश्चन देखिए, रोमेन में अमोनिया की कुल VFA का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भेड़, भेड़ के लिए इसका जो है वो सर्वाधिक होता है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मैंड्रीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला, साइट्रस रिटिकुलाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार को देखिएगा, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है? तो इन्हें जो है आइसोहेड्स कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड, NDRI कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर पांच है, NDRI कहाँ स्थित है? तो जो NDRI है ये करनाल में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर छह है कि कौन सी फसल तीन प्रकार की सुसुप्तता दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जंगली रई, सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात, किस जानवर के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? तो इसमें भेड़ ऑप्शन सही आएगा, जो सेकंड ऑप्शन है, भेड़ के दूध में जो वसा है ये सर्वाधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ, मूली की बीज दर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, 9 का क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आइसोप्रोटोलोन की जगह कौन सी खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सेकंड, मेटसुफुरोन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 10वां क्वेश्चन देखिए, जो 10 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अपने राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, थर्ड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फूल गोभी की ब्राउनिंग किसके कारण होती है? फूल गोभी की जो ब्राउनिंग है वो बोरोन की कमी के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन देखिए, आधुनिक जो जैविक कृषि है इसका जनक किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला, अल्बर्ट होवार्ड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि उन अनुपूरक आहार की सीपी सामग्री से खालिस्तान ऊपर है तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती है? तो इसके लिए 25% से ज़्यादा होती है तब इसकी सिफारिश नहीं की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में, भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली केले की जो किस्म है? तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, ड्वार्फ कैवेंडिश, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गेहूं की FIRB विधि में जो बीज दर है वो कितनी होती है? तो इसमें बीज दर 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, अनार की जो रोपण दूरी है तो 6x6 मीटर की दूरी होनी चाहिए अनार के दो पौधों में, सेकेंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से फल में एक लिंगाश्रय पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा पपीता, इसका जो फोर्थ आंसर है वो सही आंसर होगा, पपीता। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अरहर की कम अवधि वाली किस्म कौन सी है? तो ये जो अरहर की तीनों किस्में दे रखी है ये कम अवधि वाली है, यानी फोर्थ आंसर इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम ताप, तो ये होता है 15 से 20 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, राष्ट्रीय जैविक खेती का जो केंद्र है वो अपने गाजियाबाद में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फोर्थ ऑप्शन सही है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, 22 का क्वेश्चन है, वर्षा वहार ये किसकी किस्म है? तो यह ध्यान रखना है भिंडी की किस्म होती है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेथायरस में BOAA की सुरक्षित सीमा क्या होती है? तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है 0.02% से अधिक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, 24 का क्वेश्चन है, गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी का सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है थायड जेराप्थेमलिया। क्वेश्चन नंबर 25, अंगूर की प्रवर्धन की उपयुक्त किस्म होती है कलम, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिकन गेहूं
कि कैलिप्टाइल लंबाई कितनी होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, धान की पुआल की पाचकता को बाधित करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होगा? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलिका, सिलिका इसका सेकंड ऑप्शन है, ये सही आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की अंबिका किस्म किन दो प्रजातियों के संकरण से बनी हुई है? तो इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, आम्रपाली और जनार्दन की से ये इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चावल के खैरा रोग की खोज किसने की थी? तो वाई एल नैने, खैरा रोग की जो खोज है वाई एल नैने के द्वारा की गई थी। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ओलियोरेसिन किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिर्च, ये मिर्च से प्राप्त होता है अपने को। 31 है, अवांछनीय परेशानी व मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है विषैला खरपतवार कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अंडे के उत्पादन में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन तमिलनाडु में होता है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। केले का जो खाने वाला हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, एंडोकार्प। तो 33 के क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सजावटी साइट्रस प्रजाति ये हजारा, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, हजारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य उत्पादन में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन है कोची बंदरगाह के द्वारा होता है अपने देश में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36, अमरूद का वानस्पतिक नाम, तो अमरूद का वानस्पतिक नाम सेकंड ऑप्शन सही है, सीडियम गुआजावा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए आगे देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा मोठ का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा मोठ का उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन देखिए, सामान्य दूध वसा के रख रखाव के लिए कुल राशन में कितने प्रतिशत एनडीएफ महत्वपूर्ण होता है? तो करेक्ट आंसर होगा 36%, एनडीएफ 36% होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आम की बीज रहित किस्म कौन सी होती है? सिंधु, करेक्ट आंसर होगा सेकंड, सिंधु। नेक्स्ट 40 का और एग्रीकल्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि बाजरा का वजन, बाजरा परीक्षण का वजन कितने ग्राम होता है? तो बाजरा का परीक्षण वजन 5 ग्राम होता है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन बायोलॉजी की ओर। वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 1, राइबोसोम का उत्पादन होता है, तो राइबोसोम का जो उत्पादन है ये केंद्रक में होता है, फर्स्ट नहीं बल्कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही होगा, केंद्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टिड्डी अंडे कहां पर देती है? जो टिड्डी है ये अंडे मिट्टी में देती है हमेशा। थर्ड क्वेश्चन, किसने साबित किया कि जो डीएनए है ये बुनियादी सामग्री है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, हर्से एंड चेस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, मक्का या गेहूं में फल का प्रकार, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, कैरियोप्सिस, मक्का और गेहूं एक प्रकार के कैरियोप्सिस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है कि स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा रखता है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 5 के क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन देखिएगा, स्त्रीकेशर जायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का काम करता है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, वर्तिकाग्र कहा जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तक जो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है उसका नाम कंडरा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कंडरा। क्वेश्चन नंबर 8, पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 का क्वेश्चन देखिएगा, एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, जीन का केवल एक एलील, एक जीन और एक एलील, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 का जो क्वेश्चन है वो है, कपास वोल्फार्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित से कौन सा कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राइकोग्रामा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अमीबा का पोषण कैसा होता है? तो अमीबा का पोषण होता है ये परजीवी होता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडेस्मोटा क्या होता है? तो ये प्लाज्मोडेस्मोटा सेकंड आंसर सही होगा, कोशिकाओं के बीच जुड़ी हुई प्रत होती है प्लाज्मोडेस्मोटा। क्वेश्चन नंबर 13,
13 का क्वेश्चन देखिए, 40 शुक्राणु जो बनाने के लिए कितनी संख्या में माध्यमिक शुक्राणु नाशक की आवश्यकता होती है, तो 20 की आवश्यकता होती है। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली जो फसल है ये कौन सी है, तो इसका आंसर होगा केला। सबसे सस्ती फसल ऊर्जा के लिए केला होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है, कुछ सामान्य पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फल नहीं होता है, तो ये कौन से ग्रुप के होते हैं, तो ये अनावर्त बीजी होते हैं जिनमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मेटामेरिज्म किस फाइलम की विशेषता है, मेटामेरिज्म एनेलिडा जो संघ है इसकी विशेषता होती है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17, ओपेरोन का एक जीन जो एक प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है कौन सा जीन होगा, तो फर्स्ट आंसर होगा ये करेक्ट होगा रेगुलेटर जीन 17 के क्वेश्चन में। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि सलजम का जो खाने योग्य हिस्सा होता है ये कौन सा होता है, सेकंड आंसर सही होगा रूपांतरित मूसला मूल, सलजम का खाने योग्य हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इसमें देखिए एक बीच में 19 का क्वेश्चन छूट गया है, तो वो मैं आपको बोल करके बता देता हूं कि 19 का क्वेश्चन ये था कि कैचुए में क्लिटेलम खंड कहां पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, खंड 14, 15 एवं 16, इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, खंड 14, 15 और 16। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पौधों में स्टोमेटा खुलने का कारण, ये पोटेशियम आयनों के स्राव के कारण स्टोमेटा जो होते हैं जो यानी जो रंध्र होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21, जड़ का दबाव किसके कारण होता है, तो जड़ का दबाव है ये सक्रिय अवशोषण के कारण होता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन ये किससे प्राप्त की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस के द्वारा ये प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आगे 23 का क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का द्रव्य मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सिंगर और निकोलसन ने यह मॉडल है प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन है कि रक्त जमावट की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, रक्त जमावट की जो प्रक्रिया वो 3 चरणों में होती है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25, स्यूडोमोनास रुबेलिनिस लाल धारी वाली बीमारी का कारण बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गन्ना में, ये बीमारी गन्ना में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन है कि प्यूमूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं, तो इसका थर्ड आंसर है ये करेक्ट होगा कोलियोप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, 27 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विशाल मधुमक्खी किसे कहा जाता है, तो विशाल मधुमक्खी एपिस डोर्साटा को कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। 28 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, लाइकोपर्सिम एस्टुकेलम में होता है, तो इसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन 28 के क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द्विपद नामकरण संदर्भित करता है, तो ये एक प्रजाति के नाम के दो शब्द होते हैं, इसका जो थर्ड ऑप्शन है 29 के क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पानी यानी जल संवहन प्रणाली किस में पाई जाती है, जल संवहन प्रणाली, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एक्टिनोडर्माटा में ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, बिना निषेचन के फल का निकास सेकेंड ऑप्शन सही होगा, पर्थेनोकोपी में होता है बिना निषेचन के फल का विकास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, खपरा बीटल किसका कीट है, तो खपरा बीटल है ये संग्रहित अनाज का कीट होता है, जो अनाज में लगता है उसे कहते हैं खपरा बीटल। क्वेश्चन नंबर 33, प्राकृतिक प्रणाली की वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो ये फिलोजेनी और आकारिक पर, फोर्थ आंसर सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब, तो क्वेश्चन नंबर 34 में इसमें करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, माता पिता शुद्ध प्रजनन हो तभी मेंडल का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निमेटोडा जो अल्सर बनाता है, तो अल्सर बनाने वाला निमेटोडा सेकंड होगा, हेटरोडेरा ये इसका करेक्ट आंसर होगा 35 में क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा, सुसंस्कृत कपास की स्पीसीज हैं, कितनी स्पीसीज होती हैं, 4 स्पीसीज होती हैं कपास की। नेक्स्ट 37 में, अंतः प्रद्रव्य जालिका के साथ निरंतर होता है, तो केंद्रक भित्ति इसका करेक्ट आंसर होगा 37 में। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन,
लगभग 70% CO2 ब्लड में किस रूप में पाई जाती है? तो 70% जो है वो कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कपास किसका उदाहरण होती है? तो कपास जो है सतही फाइबर का एग्जाम्पल होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा 39 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, पहला संवहनी पौधा कौन सा होता है? पहला संवहनी पौधा जो होता है वो टेरिडोफाइट, सबसे पहले संवहनी होता है टेरिडोफाइट्स में देखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, टेरिडोफाइट। ये बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन थे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री देखते हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन है उनमें अगर आपको डाउट हो, आगे वाले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट। साथ ही अगर कोई नया स्टूडेंट हमें देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें जो न्यू स्टूडेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 केमिस्ट्री में। Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? तो Mn+2 में n की वैल्यू 5 होती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 5.92। सेकंड क्वेश्चन, मिट्टी में पाया जाने वाला वृहद पोषक तत्व है कैल्शियम, मिट्टी में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, H2O का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, थर्ड ऑप्शन सही होगा। केलामीन, अगला जो है वो केलामीन, ये किसका अयस्क है? तो ये जिंक का अयस्क होता है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक होता है ये पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी खोज की थी, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 6 में VACPR सिद्धांत के अनुसार I3- का आकार होगा, तो इसका जो आकार है वो रेखीय होगा VACPR के अनुसार। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? आप जानते होंगे दूध में जो केसीन प्रोटीन है ये पाई जाती है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिंडलर उत्प्रेरक कौन सा है? सेकंड ऑप्शन सही है पेलेडीकृत कार्बन, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक गेंद का द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम और वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्ध्य यानी उसकी लैम्ब्डा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका फर्स्ट आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मृदा रसायन के जनक कौन है? तो मृदा रसायन के जनक है, सेकंड ऑप्शन सही है, वान बेमलेन इसके जनक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? आधा परसेंट, 0.5% नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बोर त्रिज्या का सूत्र कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो फॉर्मूले दे रखे हैं इनमें से जो थर्ड फॉर्मूला है ये इसका करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एंटासिड क्या काम करते हैं? एंटासिड ये काम करते हैं सेकंड वाला, एसिड के कारण जो पेट दर्द होता है उसे कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है, फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम कोटि विक्रिया की मात्रक इकाई क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है, प्रथम कोटि विक्रिया के वेग नियतांक का जो मात्रक है वो सेकंड इनवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ये कौन सी भाषा से हुई है? ये ग्रीक भाषा से हुई है एग्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है? तो प्रथम नियम Q-W होता है, तो इसमें से देखिए सेकंड ऑप्शन ∇U = Q-W, ये इसका सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उत्प्रेरक का प्रयोग अभिक्रिया में किसको परिवर्तित करता है? तो ये सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, एजोला का उपयोग चावल में किया जाता है, चावल में उर्वरक या खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ZNS की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कितनी होगी? तो इसकी 4-4 होती है, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन ये सही होगा, 4:4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो 4 कथन यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से थर्ड कथन ये बिल्कुल से करेक्ट है। आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य आकर्षण इलेक्ट्रॉनिक और दिशाहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, यूवी प्रकाश में मिथेन के क्लोरीनीकरण से क्या बनता है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, टेट्राक्लोरो मिथेन का निर्माण होता है। आगे बढ़िए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, संख्या 100 में कितने सार्थक अंक है? तो इसमें एक ही सार्थक अंक है केवल। मिट्टी में पाए जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा मैंगनीज, सूक्ष्म पोषक तत्व में मैंगनीज आ जाएगा। फेनांथ्रीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26, 3D श्रृंखला में नीचे दिए गए किस संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम होती है? सबसे ज्यादा मैंगनीज की होती है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27, अधिकांश खाद्य फसल के लिए आवश्यक होती है कैसी पीएच चाहिए? उदासी, न्यूट्रल पीएच की आवश्यकता होती है ज्यादातर फसलों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 का क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे? तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं टोटल कुल मिलाकर के 9 और पाई बॉन्ड हो गए हैं 2, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 9 सिग्मा एंड 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 29, यदि 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घोल करके सॉल्यूशन बनाया है तो विलयन की मोलरता कितनी होगी? मोलरता ज्ञात करनी है, तो ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है और इसका जो सेकंड ऑप्शन है 0.278, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? जिप्सम, जिप्सम ध्यान रखिए कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है, बाकी के ये तीनों ऑप्शन है ये बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम आवर्त में प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का क्रम, तो प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का क्रम लिथियम से स्टार्ट होगा, फिर लिथियम के बाद में बेरिलियम नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, लिथियम के बाद में बोरोन सेकंड ऑप्शन हो सकता है, लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये इसका बिल्कुल से करेक्ट आंसर सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, मृदा पौधे से नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? नाइट्रेट के रूप में अब्सॉर्ब करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। रेगिस्तान में पाया जाने वाला वृक्ष जो वायु प्रदूषण रोकता है, खेजड़ी यानी जाटी का पेड़। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34, Ag यानी सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होगा? सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10, ये सेकंड वाला 4d10 5s1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 35 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिट्टी की पीएच क्या मिलाने पर बढ़ेगी? पीएच बढ़ानी है तो चूना मिलाइए, चूना मिलाने से बढ़ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 36 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत कण संचलन है? तो इनमें से विद्युत कण संचलन का एग्जाम्पल होगा सेकंड BF3, विद्युत कण संचलन का सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी परमाणु की बाह्य कक्षा का विन्यास 3s2 3p6 4s2 है तो उसका प्रतीक क्या होगा? तो उसका जो प्रतीक है आर्गन होगा, ये आर्गन का विन्यास है, आर्गन के आगे का विन्यास होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक रबड़ की एकलक यानी मोनोमर क्या होती है? इसकी मोनोमर इसोप्रेन होती है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, PCl5 PCl3 और Cl2 500 केल्विन पर साम्यावस्था में है और इनकी सांद्रता PCl3 की सांद्रता ये दे रखी है, क्लोरीन की ये दे रखी है और PCl5 की 1.41 ये दे रखी है, तो साम्यावस्था कंस्टेंट यानी KC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये मैंने कैलकुलेट कर ली है और इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा 1.79। और लास्ट क्वेश्चन है कि RNA समीकरण जो होती है K = AE^-EA/RT, तो इसका जो स्लोप होता है यानी ढाल tan थीटा उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू -EA/R, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होता है, ये इसका स्लोप यानी tan थीटा की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स आपको जेट के एग्जाम में कितने मार्क आने वाले हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में जो स्टूडेंट AG या जेट में इंटरेस्टेड हैं वो भी कमेंट करें और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए। अगर चैनल पर आपको जेट की क्लासेज चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट आपसे, कोई भी नया स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सभी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।